नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश का नंबर वन न्यूज शो, ये भारत की बात है और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी सेहतमंद होंगे, फिट होंगे। और आज खबरों में आपके लिए क्या है खास, कौन सी बड़ी खबरें, आइए जानते हैं। आज सबसे पहले आपको बताएंगे, ममता ने खेला कर दिया है और राहुल गांधी अकेले पड़ गए। दर्शकों, बड़ी बात यह है कि ममता ने कांग्रेस पार्टी के साथ आखिर ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से राहुल पस्त हो गए हैं, आज आपको बताएंगे। और ममता के स्टार भी मैदान में उतर चुके हैं, कौन कौन है वो, ये भी आपको बताएंगे। इसके बाद एक और बड़ी खबर रहेगी, बड़ी खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन पूर्वांचल। ये इसलिए खास है क्योंकि पिछली बार बीजेपी को यहां से डेंट हुआ था कुछ सीटों का, लेकिन इस बार बीजेपी 400 पार का नारा लेकर चल रही है और इसी मिशन पर जुट गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कितना ये खास है आज ये भी हम आपको बताएंगे। इसके बाद एक और बड़ी खबर, विपक्ष अलग अलग पैंतरे आजमा रहा है और अब केजरीवाल एक कसम के सहारे मैदान में आ गए। कसम खिलवा रहे हैं केजरीवाल, लेकिन इस कसम से क्या केजरीवाल कुछ कर पाएंगे, आखिर वो कसम क्या है, ये भी आपको बताएंगे। इसके बाद एक और बड़ी खबर रहेगी किसानों से जुड़ी हुई, क्योंकि किसानों ने एक बार फिर मैदान में उतरकर चेता दिया है, लेकिन ट्रैक पर आने की वजह से जनता परेशान हो गई है क्योंकि किसानों के प्रदर्शन की वजह से रेल यातायात बाधित हो गया है। आखिर क्या एक्शन लिया जा रहा है, यह आपको बताऊंगा। आखिर में बात करेंगे लालू के फाइनेंसर के बारे में, जो फंस चुका है, एजेंसी के रडार पर आ गया है, कहां कहां पर लालू के फाइनेंसर ने पैसा छिपाया, आज ईडी ने कहां कहां पर कार्रवाई की, ये मैं आपको बताने वाला हूं, पूरी एक एक डिटेल आपको देंगे। लेकिन सबसे पहले जानते हैं आज की हेडलाइंस। लखनऊ में अवैध निर्माण पर एक्शन के दौरान बवाल, अकबर नगर में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस और स्थानीय लोगों में झड़प, गुस्सा है, लोगों ने किया पथराव। प्रधानमंत्री मोदी का आजमगढ़ की धरती से विपक्ष पर करारा प्रहार, कहा पहले आजमगढ़ को पिछड़ा कहा जाता था, आज आजमगढ़ लिख रहा है विकास के नए अध्याय। पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ में लॉन्च की महतारी वंदना योजना, 70 लाख से ज्यादा महिलाओं के खाते में 655 करोड़ रुपए ट्रांसफर, योजना के तहत हर महीने महिलाओं को मिलेंगे 1000 रुपए। कल शाम 6 बजे होगी बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, महाराष्ट्र बिहार की बची सीटों पर होगी चर्चा, मीटिंग के बाद बीजेपी जारी कर सकती है उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग को मिलेंगे 2 नए आयुक्त, सूत्रों से खबर, 15 मार्च को शाम 6 बजे प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में होगी बैठक। बंगाल में इंडी अलायंस को बड़ा झटका, टीएमसी ने लोकसभा चुनाव के लिए 42 उम्मीदवारों की लिस्ट की जारी, कांग्रेस बोली एक तरफा ऐलान ठीक नहीं। टीएमसी की जारी लिस्ट में बाहरी उम्मीदवारों के नाम पर बीजेपी हमलावर, बीजेपी नेता सुकांता मजुमदार ने कहा टीएमसी एंटी बांग्ला पार्टी है। लोकसभा चुनाव से पहले तेलंगाना में बीआरएस को बहुत बड़ा झटका, पूर्व सांसद गोदाम नागेश, सीताराम नायक और पूर्व विधायक वेंकट राव बीजेपी में शामिल। राजस्थान में कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए लालचंद कटारिया और 32 नेता, सीएम भजन लाल की मौजूदगी में सभी ने ली बीजेपी की सदस्यता। अमेठी की रायबरेली सीट छोड़ने पर कांग्रेस आलाकमान के खिलाफ हुए यूपी कांग्रेस के नेता अविनाश पांडे ने आलाकमान को लिखा पत्र, कहा जनता चाहती है रायबरेली और अमेठी से गांधी परिवार का उम्मीदवार। लोकसभा चुनाव में कसम देकर वोट मांगने का वीडियो वायरल होने के बाद सीएम केजरीवाल पर बीजेपी हमलावर, बीजेपी नेता तरुण चुग ने कहा कसम खिलाने से कुछ नहीं होगा। संदेश खाली के गुनाहगार शाहजहां शेख को कोर्ट से झटका, कोर्ट ने शाहजहां शेख को 4 दिनों के रिमांड पर सीबीआई को सौंपा, अब 14 मार्च को संदेश खाली के गुनाहगार की होगी पेशी। लालू यादव के करीबी सुभाष यादव को गिरफ्तार किया, ईडी ने सुभाष यादव के 8 ठिकानों पर छापा मारा। पाकिस्तान में राष्ट्रपति चुनाव के बाद भीषण धमाका, पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा में धमाके की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत, 1 घायल। मध्य प्रदेश के कूनो में खुशखबरी, साउथ अफ्रीका से आई चीता गामिनी ने 5 शावकों को जन्म दिया, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर दी जानकारी।
और आज की सबसे बड़ी खबर है, इंडिया अलायंस बना था, दर्शकों आपको याद होगा, लेकिन इंडिया अलायंस में सब एकला चलो की राह पर हैं। और ममता बनर्जी ने भी आज ऐसा खेला किया कि कांग्रेस और राहुल गांधी को अकेला कर दिया। कैसे, पहले दिखाइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी यानी बीजेपी और टीएमसी के बीच में मुकाबला कड़ा है, लेकिन बंगाल में तस्वीर दिखाइए, आज एक अलग राह पर ममता बनर्जी चलती हैं और उन्होंने अपने बड़े बड़े उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। ये तस्वीर आप देखिए, क्रिकेटर, स्टार, फिल्म स्टार, सभी इस फहरिस्त में शामिल हैं और इन्हीं लोगों के जरिए आज ये रैंप अप हुआ है और यहां से ममता बनर्जी ने हुंकार भर दी है। लेकिन बड़ी बात क्या है, दिखाते हैं आपको। ममता बनर्जी के स्टार तो मैदान में आ गए, लेकिन झटका किसे मिला, कांग्रेस को मिला है। और कांग्रेस के बड़े नेता अधीर रंजन के सामने यूसुफ पठान मैदान में आ गए। आप देख लीजिए, दोनों चेहरे चुनावी मैदान में एक दूसरे के खिलाफ हैं, लेकिन अधीर रंजन के सामने टीएमसी ने उम्मीदवार उतार दिया है। सिर्फ अधीर रंजन के सामने नहीं, ये आप देखिए, शत्रुघ्न सिन्हा, कीर्ति आजाद, किस तरह के मैदान में उतरे हुए सितारे यहां पर नजर आ रहे हैं। कोई पॉलिटिकल है तो कोई क्रिकेट की पिच से आया है, और इसी तरह से अलग अलग उम्मीदवार भी आ रहे हैं। अब जिन उम्मीदवारों की अटकलें हैं, ये देखिए, तेज गेंदबाज भारतीय टीम के मोहम्मद शमी, और इनको भी चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। अटकलें काफी तेज चल रही हैं और कई ऐसे चेहरे जिनका टिकट कट गया है, दर्शकों ये देखिए आप, बड़े बड़े चेहरे, ये आपको पिछली बार जीत कर आए थे तब दिखाई दिए होंगे, लेकिन अब इनका टिकट कट गया है और इनके टिकट कटने के बाद और भी संभावनाएं बढ़ गई हैं कि आखिर ममता बनर्जी किस तरह की चाल चल रही हैं, क्योंकि एक तरफ वो चाहती हैं कि इंडिया अलायंस के साथ रहें, लेकिन कांग्रेस पार्टी को अकेला कर दिया है और बीजेपी इस पूरे चुनावी मैदान में फायदा उठाना चाहती है। रिपोर्ट आपको दिखा, ममता बनर्जी ने 2024 के लिए अपने सितारे मैदान में उतार दिए हैं। क्रिकेटर से लेकर एक्टर तक ममता की टीम में है। ममता ने ऐसा कर बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस को झटका दिया। बंगाल से कांग्रेस के दिग्गज के सामने धाकड़ बल्लेबाज को मैदान में उतार दिया। नुसरत जहां को टिकट ना देकर ममता ने चौंका दिया। बशीरहाट से एक और दिग्गज क्रिकेटर मोहम्मद शमी के मैदान में उतरने की अटकलें। ममता के भतीजे डायमंड हार्बर सीट से हैट्रिक लगाने उतरेंगे तो पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद वर्धमान दुर्गापुर सीट से मैदान में है। भ्रष्ट टीएमसी सरकार दलित, आदिवासी, ओबीसी, महिला विरोधी टीएमसी सरकार ने तो आपके राशन की योजना में ही घोटाला कर दिया। तो देखा आपने, आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन चुनावी मैदान सज चुका है और इस मैदान में कौन कौन से उम्मीदवार किस किस के सामने रहेंगे, अब मैं ये आपको बताने वाला हूं। आइए, सबसे पहले बात, ममता बनर्जी ने मैदान में उतारा है यूसुफ पठान को और कांग्रेस की तरफ से हैं अधीर रंजन चौधरी। ममता बनर्जी ने यूसुफ पठान को मैदान में उतारा है अधीर रंजन चौधरी के सामने, और बड़ी बात यह कि अब मुकाबला इन्हीं दोनों के बीच में होने वाला है। बहरामपुर सीट है जहां पर यूसुफ पठान चुनौती देंगे अधीर रंजन चौधरी को, और बीजेपी ने यहां से निर्मल कुमार साहा को उम्मीदवार बनाया है। अधीर रंजन इस सीट से 5 बार चुनाव जीत चुके हैं। 1999 से अधीर रंजन चौधरी लगातार इस सीट से चुनाव जीते और अधीर रंजन लोकसभा में इस वक्त नेता प्रतिपक्ष भी हैं। ममता और अधीर में सीट शेयरिंग को लेकर बयानबाजी हुई थी। अधीर ने क्या कहा था सुन लीजिए, कांग्रेस को ममता की कोई जरूरत नहीं है, टीएमसी ने गठबंधन नहीं होने की वजह अधीर रंजन चौधरी को ही बताया। डेरेक ओब्रायन ने क्या कहा था, सीधे उन्होंने अधीर रंजन चौधरी का ही नाम लिया था, और 2019 में अधीर रंजन चौधरी 80,000 मतों से जीते थे। तब अधीर रंजन चौधरी को 5,91,000 वोट मिले थे और टीएमसी उम्मीदवार के भी वोट
आसपास ही थे। लेकिन बड़ी बात क्या रही, ममता ने छठी बार अधीर रंजन चौधरी की राह मुश्किल कर दी है और यहां से पहली बार धाकड़ बल्लेबाज यूसुफ पठान सियासी मैदान में उतर रहे हैं। यूसुफ पठान ने भारत के लिए 57 वनडे मैचेस खेले हैं। यूसुफ ऑलराउंडर इरफान पठान के बड़े भाई हैं। T20 मैच में विस्फोटक पारी के लिए ये याद किए जाते हैं। बड़ी बात क्या है, पठान को टिकट देने पर अधीर रंजन चौधरी ने ममता को घेरा है और कहा कि अगर टीएमसी यूसुफ पठान को सम्मान देना चाहती थी तो उन्हें बाहरी लोगों को राज्यसभा भेजना चाहिए था। अधीर ने ममता पर वोटों के ध्रुवीकरण का भी आरोप लगा दिया है। अब बड़ी बात क्या है, एक तरफ अधीर रंजन चौधरी हैं, दूसरी तरफ हैं सुकांता मजूमदार और दोनों इस पर क्या कुछ कह रहे हैं, अब मैं आपको वो समझाता हूं। ममता बनर्जी की अगर कोई अच्छा सोच होती तो कम से कम गुजरात में गठबंधन से एक सीट की मांग कर लेती कि मेरा एक ही उम्मीदवार खड़ा होगी गुजरात से, उनके नाम है यूसुफ पठान। कि हिंदुस्तान की कोई राजनीतिक व्यक्ति, कोई राजनीतिक पार्टी कम से कम ममता बनर्जी जैसे नेत्री पे भरोसा ना करे तो बेहतर होगी, क्योंकि जिनकी जुबान में, जिनकी जुबान की कोई मतलब नहीं होते, जिनकी जुबान की कोई अहमियत नहीं होते, जिनकी सोच में कायरत है, सोच में चलाकी है, उसको भरोसा ना करना ही मुनासिब होगी। जब तृणमूल कांग्रेस का लिस्ट निकला उसके आधा घंटा पहले ही भतीजा वहाँ पे बड़ा बड़ा डायलॉग मार रहा था, बांग्ला बंगाली को लेके, बीजेपी एंटी बंगाली है, ये सब डायलॉगबाजी चल रहा था। अब जब कैंडिडेट निकला देखा गया कि बाहर से लोगों को ला रहे हैं, कोई बंगाली नहीं मिला आपको? बंगाली मुसलमान में क्या वोट जीतने की लड़ने की ताकत नहीं है क्या? आप गुजराती मुसलमान को ला रहे हैं यहाँ पे, ये तो कैसी शर्म करने वाली बात है। बंगाली एंटी बंगाली पार्टी तृणमूल कांग्रेस है। तो बीजेपी एंटी बंगाल पार्टी बता रही है टीएमसी को, लेकिन इसके इतर बीजेपी ने बड़े बड़े स्टार उम्मीदवार को लेकर भी बयान दिए। लेकिन ममता के वो स्टार उम्मीदवार कौन कौन से हैं दिखाता हूं आपको, ये आप देखिए, बड़े ही फहरिस्त है, लंबी फहरिस्त है। ममता ने एक बार फिर शत्रुघ्न सिन्हा को टिकट दिया है और ममता ने एक बार फिर से उन पर भरोसा जताया है। उपचुनाव में शत्रुघ्न सिन्हा ने यहां से जीत दर्ज की थी, आसनसोल सीट से वो 3 लाख से ज्यादा मतों से जीते थे और बीजेपी ने यहां से भोजपुरी गायक पवन सिंह को टिकट दिया, लेकिन क्या हुआ, पवन सिंह ने आसनसोल से लड़ने से इनकार कर दिया है। अब कीर्ति आजाद, टीएमसी ने पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद को भी टिकट दिया है दुर्गापुर से और 2019 में जब चुनाव हुए थे यहां बीजेपी ने जीत दर्ज की, लेकिन टीएमसी को यहां मात्र 2400 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। इस सीट से बिहार के वोटर्स की संख्या अच्छी खासी है, इसलिए समीकरण बदलते हैं। ममता के भतीजे की बात कर लेते हैं जो अभिषेक बनर्जी एक बार फिर चुनावी मैदान में आ चुके हैं। अभिषेक इस सीट से हैट्रिक लगाने की तैयारी कर रहे हैं, डायमंड हार्बर इन सीट का नाम है। 2019 में 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीते थे, सोचिए। और उसके बाद और भी उम्मीदवार हैं जिनके खिलाफ अलग अलग उम्मीदवार हैं, लेकिन किनका टिकट कटा है, मिमी चक्रवर्ती का टिकट कटा है तो मिला किसको है, सायोनी घोष। टीएमसी ने अभिनेत्री मिमी चक्रवर्ती का टिकट काट दिया, उन्हें दिया ही नहीं। 2019 में आपको याद होगा जादवपुर सीट से मिमी चुनाव जीती थी और मिमी की जगह अब किसको उतारा है, सायोनी घोष को टिकट मिल चुका है, इन्हें मैदान में उतारा। 2015 में सायोनी घोष ने एक हिंदू विरोधी ट्वीट किया था, तब ये चर्चा में आई थी। अब बात कर लेते हैं बशीरहाट से अभिनेत्री नुसरत जहां का टिकट कट गया, नुसरत जहां का टिकट तो कट गया लेकिन चर्चा बहुत आगे तक बढ़ गई है, क्योंकि बशीरहाट लोकसभा क्षेत्र में ही चर्चित संदेश खाली भी आता है और मोहम्मद शमी यहां से मैदान में हो सकते हैं, ये अटकलें बहुत ज्यादा तेज हो गई। बीजेपी टिकट पर यहां मोहम्मद शमी चुनाव मैदान में आ सकते हैं, लेकिन अभी तक बीजेपी और मोहम्मद शमी दोनों ही इस पर कुछ नहीं बोल रहे। ममता बनर्जी ने हाजी नुरुल इस्लाम को यहां से मैदान में उतार दिया है। एक और बड़ा चेहरा है ममता बनर्जी की पार्टी में, महुआ मोहित्रा। टीएमसी ने एक बार फिर महुआ पर भरोसा जताया है। 2019 में महुआ यहां से चुनाव जीती थी,
लेकिन घूस के बदले सवाल पूछने पर उनकी सांसदी जा चुकी है, गवा चुकी है। और महुआ के निष्कासन के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट में चली गई, याचिका उन्होंने दी। टीएमसी ने एक बार फिर महुआ को उम्मीदवार बनाया है और उन पर भरोसा जताया जा रहा है। तो ममता के स्टार्स मैदान में आ गए, लेकिन अलग अलग राजनीतिक प्रतिक्रिया भी शुरू हो गई है, क्योंकि उम्मीदवार मैदान में आ गए। कौन क्या कह रहा है, सुनवाते हैं। जीती थी सोमनाथ चैटर्जी जैसे स्टॉलवर्ट को हरा के, तो उस जगह से ममता बनर्जी ने ये सीट मुझे दिया है, बहुत विश्वास के साथ दिया है। मैं खुद जादवपुर की रहने वाली हूँ, तो ये मेरा विश्वास है। जैसे 2021 में बंगाल के लोगों ने बोला था कि बांग्ला निजर में के ही चाहे, जादवपुर के लोग भी 2024 में वही बोलेंगे कि जादवपुर निजर में के ही चाहे। बीजेपी कहीं स्ट्रांग नहीं है, वो केवल झूठी बातें करके, झांसा दे करके इस प्रकार से लोगों को बरगलाने का प्रयास करती है, अन्यथा उनके पास कुछ करने के लिए है नहीं। तो आप ये बिल्कुल ना समझे कि वहाँ पर है, 1700 वोट से पिछली बार जीती थी बस। सजीद ने कहा है कि मेरा भी उद्देश्य वही है, लेकिन वहाँ की राजनीतिक परिस्थिति को देखते हुए बंगाल में, क्योंकि वहाँ भारतीय जनता पार्टी वो जो चुनाव लड़ेगी और उसके अगेंस्ट में अगर इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा तो मामला दो खाने में बट जाएगा और उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। आप चोर चोर मत बोलो। थर्ड है, आप ए कर दिया ओ कर दिया है, प्राइम मिनिस्टर जो बताया हम लोग बहुत दुख होता। प्राइम मिनिस्टर मुंह में ये सब बात हम लोग जानते नहीं, इसीलिए हम लोग चलेगा इसके लिए। और सबसे बड़ा है आरा सुंदर बंगाल को करेगा हम लोग, और बंगाल के है बंगाल का आर्मी लोग ही रहेगा, बाहर के उड़ के आएगा कोई हाँ कभी कभी आते हैं उसमें होगा नहीं, बंगाल का आदमी होना चाहिए। तो अब इंडिया अलायंस की बात कर लेते हैं। जैसा शुरुआत में मैंने कहा था, बड़े जोर शोर से बना था, लेकिन अब सब अलग चल रहे हैं, अलग राह पर चल रहे हैं। कोई उम्मीदवार घोषित कर रहा है तो कोई कह रहा है कि हमसे पूछा ही नहीं। यानी ममता ने एक बार जोरदार झटका दे दिया है कांग्रेस पार्टी को, और इसकी वजह से कांग्रेस मुसीबत में भी आ गई। लेकिन आखिर ममता बनर्जी ने कांग्रेस को क्या झटका दिया है समझ लीजिए। पश्चिम बंगाल में भी इंडी अलायंस पूरी तरह से टूट गया है। ममता ने बंगाल की सभी सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं। 42 लोकसभा सीटें हैं जहां ममता ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। अधीर रंजन के खिलाफ यूसुफ पठान को मैदान में उतारा, और ममता बंगाल में कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें देना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी 6 सीटों की मांग कर रही थी। राहुल गांधी ने भी कह दिया। कांग्रेस और टीएमसी में इसको लेकर बयानबाजी शुरू हुई, और कांग्रेस लेफ्ट के लिए भी सीट छोड़ने की मांग रख रही थी क्योंकि गठबंधन था। इसके बाद ममता ने एकला चलो की राह पकड़ी और अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। कांग्रेस नेता बार बार कह रहे थे कि बातचीत अभी जारी है, जल्द ही गठबंधन पर फैसला हो सकता है। संदेश खाली की घटना के बाद इसकी अटकलें और ज्यादा तेज हो गई थी दर्शकों। लेकिन ममता ने कांग्रेस को ऐन मौके पर झटका दे दिया है बंगाल में, और बड़ा झटका दिया है, जिस वजह से कांग्रेस पार्टी अब मुसीबत में आ गई है। अब आप सोचिए, कांग्रेस पार्टी की मुसीबत बढ़ रही है, इधर भारतीय जनता पार्टी भी हमला बोल रही है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी क्या कह रहे हैं, सुनवा दें आप। रिस्पेक्टेबल सीट शेयरिंग फॉर्मूला बेस्ड ऑन नेगोशिएशंस, यू नो, नीयत साफ होनी चाहिए। मैं ये बात कहूंगा कि हमारी कांग्रेस पार्टी ने हमेशा कहा है कि हम चाहते हैं कि टीएमसी के साथ सीट शेयरिंग हो, बातचीत हो, सम्मानजनक फॉर्मूला ढूंढा जाए, बीच का रास्ता ढूंढा जाए, एक तरफा कोई घोषणा नहीं होना चाहिए। ये बात सही है कि हमारे ओर से भी कुछ बयान आए हैं जो कुछ हमको परेशानी हुई है उन बयानों से, पर खुले मन से, बड़े दिल से इन बातचीत हमें करनी चाहिए। अब जहां जहां पड़े राहुल के कदम, वहां वहां इंडी गठबंधन तोड़े दम। इसका एक और नमूना बंगाल से दिखाई दे रहा है। देखिए किस प्रकार से पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ममता दीदी ने यूनिलैटरली सारी सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए, और कांग्रेस धरी की धरी बैठी रह गई, बोलती रह गई कि हमारे साथ चर्चा कीजिए। पहले भी ममता बनर्जी ने कहा था कि 2 सीट मिलेगी, लेना है तो लो वरना जाओ, 40 सीटें तुम्हारी देशभर में नहीं आने वाली है। ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी और खास करके राहुल गांधी के बारे में ममता दीदी क्या सोचती है। तो बीजेपी हमला बोल रही है और उधर पूरी तैयारी में जुट गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन पूर्वांचल पर जुट गए। एक तरफ विपक्ष बिखरा हुआ है तो बीजेपी उसका फायदा उठा रही है।
ये तस्वीर आप देख रहे हैं, आज आजमगढ़ में पहुंचे और ये दिनेश लाल निरहुआ है जो आजमगढ़ से उपचुनाव जीते थे। अगली तस्वीर जरा दिखाइए, यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे उनके खुद के संसदीय क्षेत्र बनारस, और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुछ इसी तरह से स्वागत किया गया था। और इसीलिए कहा जा रहा है कि मिशन पूर्वांचल पर है। ये आप देखिए, जब काशी विश्वनाथ में गए तो हाथ में त्रिशूल उठाया और वहां पर मोदी मोदी के नारे लगाते हुए जनता नजर। यानी एक तरफ विपक्ष बिखर रहा है और दूसरी तरफ बीजेपी पूर्वांचल की राह पर चल पड़ी। वो इसलिए चल पड़ी है क्योंकि यहां पर बीजेपी को फायदा उठाना है। दिखाता हूं जरा मैं आपको किस तरह की स्थितियां अभी बीजेपी के सामने हैं और क्या उनकी रणनीति है। चुनाव ऐलान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन पूर्वांचल पर है। यूपी में आज आजमगढ़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, रैली की और देश भर के 15 एयरपोर्ट्स का उद्घाटन भी किया। आजमगढ़ की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निशाने पर विपक्ष रहा, कहा मैं दूसरी मिट्टी का बना हुआ हूं। पहले चुनाव के मौसम में नेता पत्थर लगा देते थे, फिर पत्थर भी गायब और नेता भी गायब। 2047 तक देश को विकसित भारत बनाना है, आगे कहा इसके लिए तेज गति से दौड़ रहा हूं, देश को तेज गति से दौड़ा रहा हूं। 2024 के शिलान्यास को कोई चुनावी चश्मे से ना देखे, क्योंकि 2019 में जो शिलान्यास किए गए थे उनके उद्घाटन अभी हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आजमगढ़ से अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा, जिसे लोग अपना गढ़ समझते थे उसे दिनेश लाल निरहुआ जैसे युवा ने ढहा दिया। कल देर शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस पहुंचे थे और प्रधानमंत्री ने एयरपोर्ट से करीब 30 किलोमीटर लंबा रोड शो भी किया था। प्रधानमंत्री ने यहां रोड शो किया और संदेश भी दिया, लेकिन बड़ी बात क्या, जब मिशन मोड पर प्रधानमंत्री उतर चुके हैं तो क्या उन्होंने मन से कहा, अब आपको वो सुनवाता हूं। इस चुनाव में आजमगढ़ की जनता ने भी दिखा दिया कि परिवार के लोग जहां अपना गढ़ समझते थे वो दिनेश जैसा एक नौजवान उसे ढहा देता है। इसलिए परिवारवादी लोग इतने बौखलाए हुए हैं, आए दिन मोदी को लगातार गाली दे रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि मोदी का अपना परिवार नहीं है, ये लोग भूल जाते हैं कि मोदी का परिवार देश की 140 करोड़ की जनता, ये मोदी का परिवार है। और इसलिए आज हिंदुस्तान के हर कोने से आवाज हो रही है, हर कोई कह रहा है मैं हूं। इस बार भी यूपी की पूरी सफाई में आजमगढ़ को पीछे नहीं रहना है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया जो गढ़ समझते थे यानी समाजवादी पार्टी, उसे दिनेश लाल निरहुआ जैसे युवा ने ढहा दिया। लेकिन दोनों आमने सामने एक बार फिर आ सकते हैं, इसकी अटकलें और चर्चाएं भी थे। अब आपको बताता हूं क्या समीकरण है आजमगढ़ की। ये देखिए आप, एक तरफ दिनेश लाल निरहुआ, दूसरी तरफ अखिलेश यादव और धर्मेंद्र यादव। आजमगढ़ में 2022 में उपचुनाव हुआ था और यहां पर बीजेपी को जीत मिली। अखिलेश के सीट खाली करने के बाद यहां पर उपचुनाव हुआ, तब दिनेश लाल निरहुआ ने समाजवादी पार्टी के गढ़ में सेंधमारी की और बीजेपी ने एक बार फिर निरहुआ को आजमगढ़ से टिकट दिया है। समाजवादी पार्टी ने अभी यहां से उम्मीदवार उतारा नहीं है, लेकिन अखिलेश के यहां से चुनाव लड़ने की अटकलें बहुत ज्यादा तेज है। इससे पहले गुड्डू जमाली समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, समाजवादी पार्टी के संभावित एमएलसी उम्मीदवार शामिल है। उपचुनाव में निरहुआ ने धर्मेंद्र यादव को हराया था। धर्मेंद्र यादव करीब 8,000 वोटों से चुनाव हार गए थे, जबकि बीएसपी के गुड्डू जमाली तीसरे नंबर पर रहे थे। जमाली ने तब 2,66,000 वोट हासिल किए थे। और 2014 में चलिए, जब जमाली यहां से 2.5 लाख से ज्यादा वोट पाए गए, अब गुड्डू जमाली समाजवादी पार्टी के साथ आ गए और पार्टी को जीत का भरोसा दिया है।
अब बड़ा सवाल यह खड़ा होता है, क्या अखिलेश यादव यहां से चुनाव लड़ेंगे या फिर धर्मेंद्र यादव को मैदान में उतारेंगे, क्योंकि उनको भी टिकट दिए जाने की अटकलें बहुत ज्यादा तेज हैं। अब मैं आपको सुनवाता हूं अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। चित्रकूट का एयरपोर्ट नेताजी और समाजवादी पार्टी ने बनवाया था, उसका उद्घाटन आज हुआ है। आजमगढ़ का एयरपोर्ट नेताजी और समाजवादी पार्टी ने बनाया था, उसका उद्घाटन हुआ है। मुरादाबाद का एयरपोर्ट नेताजी और समाजवादी पार्टी ने बनाया था, उसका उद्घाटन हुआ है। अरे ये सरकार अपना कुछ बनाए हुए का उद्घाटन करेगी कि दूसरों का ही उद्घाटन करती रहेगी? तो डबल इंजन की सरकार, और सोचिए कि एयरपोर्ट नहीं बना पा रहे, और जहाँ एयरपोर्ट बने हुए हैं हवाई जहाज नहीं उतर रहे। एक रसूलाबाद में बनाया था हवाई पट्टी, सरकार बनते ही इन्होंने हवाई जहाज उतार दिया उस पर, और आज वह बबूल उग गया है। पूरी हवाई पट्टी में बबूल है, अब बताओ बबूल कौन हटाएगा जाके रसूलाबाद से? तो ये केवल दिखावा है, चुनाव आ गया है इसलिए दिखाना है कि काम कुछ हमने किया है, वो भी दूसरों का काम का अपना काम बता रहे हैं। बताइए आप, जिस आजमगढ़ को पिछली सरकारों के कारण अपराध और माफिया गतिविधियों का गढ़ बना दिया गया था, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी उसी आजमगढ़ में आकर के यहां पर मनी की बौछार कर रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देने के लिए आजमगढ़ आए हैं। आजमगढ़ को पिछले 10 वर्ष के अंदर न केवल सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण देने के लिए, बल्कि विकास और आधुनिक और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जोड़ने के लिए आजमगढ़ को लोक कल्याणकारी उन विभिन्न योजनाओं के साथ जोड़ने के लिए हम सब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। मैं आपको आजमगढ़ की एक दिलचस्प तस्वीर दिखाने वाला हूं दर्शकों, क्योंकि प्रधानमंत्री जब पहुंचे तो कई सारे मुस्लिम यहां पर आए। फुल फ्रेम लीजिए जरा इस तस्वीर को, और मोदी हमारा भाई के पोस्टर्स भी हाथ में लिए थे और नारा भी लगाया, सुनवाइए जरा। दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कुंवर बासी ताली जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो सुना आपने, ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है, ये आजमगढ़ के मुसलमान नारे लगा रहे हैं। अब मैं आपको पूर्वांचल का समीकरण बताने वाला हूं कि आखिर समीकरण रहा क्या है। ये देखिए, पूर्वांचल में सबसे पहले आप देखिए 26 सीटें आती हैं, और 2014 में क्या हुआ था, बीजेपी 25 से ज्यादा, समाजवादी पार्टी को मात्र एक सीट मिली और कांग्रेस और बीएसपी को शून्य मिला था। अब आ जाइए 2019 में, ये देखिए समीकरण बदल गए, यहां बीएसपी को 4 सीट मिलती है, गेन किया, समाजवादी पार्टी 1 पर रहती है, कांग्रेस को 0 मिलती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खाते में 25 से कम हो गई, यानी यहां पर जो सीटें कम हुई हैं उसी पर अब भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फोकस कर रहे हैं। लेकिन अब आगे की बात यह है कि पब्लिक क्या सोचती है, जनता पूर्वांचल की समय क्या सोच रही है, जनता का मूड क्या है, वो जरा आपको सुनवाता हूं। ये कोई लड़ाई ही नहीं रह गई है, जहाँ पर हर जाति हर मजहब के लोग जुड़े हुए हैं, और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास का काम करती है, और अब की बार हम लोगों का यही कामना है कि सभी लोग मजबूती से जुड़ें और कम से कम 4 लाख वोटों से दिनेश लाल यादव को बीजेपी बनवाएं। अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अनुमान है हमारा कि 4 लाख से ऊपर ही जाएगा। लाल निरहू 1 लाख से अधिक वोटों से चुनाव जीतेंगे, क्योंकि अब की बार हर जात बिरादरी के लोग वोट कर रहे हैं। इस बार मोदी जी ने किसी को अलग से कोई व्यवस्था नहीं दी है, जितनी व्यवस्थाएं दी है सब एक तरफ से सबको दी है, इसलिए अब की बार
जितने भी वोट पड़ेंगे सब मोदी जी के पक्ष में पड़ेंगे। मैं आपको बता दूं कि युवा ही बदलाव लाता है और परिवर्तन का एक माध्यम, एक ही माध्यम है कि युवा। तो युवा तरुणाई आज के दौर में, आज के समय में, ये केवल दिनेश लाल यादव निरहुआ जी के लिए। दिनेश लाल यादव जी इस बार यहाँ से चुनाव जीतेंगे और इसलिए जीतेंगे क्योंकि दिनेश लाल यादव निरहुआ जी ने धरातल पे काम किया है। जाके चले जाइए महाराजगंज रोड देख लीजिए, रोड जितना भी दीवारा के अंदर जितना भी रोड टूटे थे सब रोडों का चौड़ीकरण हो गया है। विकास के मुद्दे पे हम लोग हमेशा रहे हैं और आज भी जो है विकास के वजह से हम जो है फिर दोबारा जो है तीसरी बार जो हम लोग फिर से हराने जा रहे हैं। चलिए अब आपको लेकर चलता हूं दिल्ली, क्योंकि वहां की सियासत भी बड़ी दिलचस्प हो गई है और केजरीवाल अब कसम के सहारे आगे बढ़ रहे हैं। तस्वीर दिखाइए जरा, अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ी बात कही है, महिलाओं के कार्यक्रम में पहुंचे थे आप देखिए, और यहां केजरीवाल ने महिलाओं के बीच में सभी से एक कसम पर बातचीत की और महिलाओं को कसम खिलवाई। ये कसम क्या है ये भी आपको बताऊंगा मैं, लेकिन ये कसम क्यों खिलवाई गई है, अगली तस्वीर दिखाइए जरा, क्योंकि सामने है बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल चुनौती देना चाहते हैं लेकिन कसम के सहारे वो मैदान में आ गए। आखिर अरविंद केजरीवाल की कसम क्या है वो जरा इस रिपोर्ट में देखिए। मोदी के खिलाफ भड़काकर चुनाव जीतेंगे केजरीवाल। अगर आपका पति कहे मोदी तो बोलना शाम का खाना नहीं मिलेगा। बोलो मोदी के खिलाफ महिलाओं को कसम खिलाकर उनके पतियों का वोट लेंगे केजरीवाल। अपने सर की कसम खिला देना सबको, बोलो सर की कसम है मेरे पति की बात, पत्नी की बात तो माननी पड़ेगी हर पति को। दरअसल दिल्ली में केजरीवाल कड़े मुकाबले में फंसे, कांग्रेस का साथ मिलने के बावजूद बीजेपी से काफी पीछे है, 2019 के मुकाबले 16% वोटों का अंतर है। ऐसे में महिलाओं को कसम खिलाकर वोट पाना चाहते हैं, लेकिन सवाल ये कि क्या वे अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे। ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि केजरीवाल खुद बच्चों की कसम खा चुके हैं, बावजूद इसके कांग्रेस के साथ जा चुके हैं। संदीप दीक्षित से मेरा दूर दूर का कोई लेना देना नहीं है और बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन। इधर दिल्ली में केजरीवाल मोदी से डरे तो उधर राजस्थान कांग्रेस में भगदड़ मची है। राजस्थान कांग्रेस के कई दिग्गज आज बीजेपी में शामिल हो गए, महाराष्ट्र में भी हाहाकार है। महाराष्ट्र में कांग्रेस और उद्धव आमने सामने आ गए तो बारामती सीट को लेकर शरद पवार और अजित पवार में ठन गई है। संकेत है कि बारामती में ननन भौजाई के बीच मुकाबला होगा। महाराष्ट्र की सियासत में भी बहुत कुछ चल रहा है वो आपको बताऊंगा, लेकिन पहले बताता हूं अरविंद केजरीवाल कसम के सहारे मैदान में आ गए, लेकिन इस कसम से अरविंद केजरीवाल को क्या वाकई फायदा होने वाला है। पहले आप देखिए, एक तरफ है अरविंद केजरीवाल क्योंकि 2024 का चुनाव चरम पर है, मुकाबला कड़ा है, प्रधानमंत्री सामने है और दिल्ली में भी माहौल गरमाने लगा है और वोट के लिए हर तरह की टोटके आजमाए जा रहे हैं। दिल्ली में केजरीवाल एक कदम और आगे बढ़ गए। दर्शकों, केजरीवाल ने दिल्ली में कसम वाली सियासत शुरू कर दी है। अरविंद केजरीवाल महिलाओं को कसम खिला रहे हैं, पत्नी माताओं और बेटियों को कसम खिलवा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा मोदी को वोट मत देना, दिल्ली में कई मर्द मोदी मोदी कर रहे हैं, मर्द का दिमाग महिलाएं ही ठीक कर सकती हैं, पति मोदी का नाम ले तो शाम का खाना मत देना, अपने पतियों को सिर की कसम खिला देना, अगर पत्नियां कहें तो पतियों को बात माननी ही पड़ेगी, माताएं अपने बेटों को सर की कसम खिला दें। सोचिए जरा, उन्हें कहें कि उन्हें इस बार केजरीवाल को वोट देना है, बेटियां अपने अपने पिता और भाई को कसम खिलाएं। केजरीवाल एक सम्मान समारोह में बोल रहे थे दर्शकों, जो खास तौर से महिलाओं के लिए ही आयोजित किया गया था और केजरीवाल के इस बयान पर हमला बोला है बीजेपी के बड़े नेता कपिल मिश्रा ने। दिल्ली बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं और उन्होंने करारा प्रहार किया है। मिश्रा ने कहा केजरीवाल ने कहा जो मोदी मोदी करे उनकी पत्नी उनका खाना बंद कर दे,
दिल्ली में केजरीवाल की पत्नी ये बात मान रही है। खबर है कि कल से केजरीवाल का खाना बंद कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये बंदा भूल गया था कि सुबह से शाम तक सबसे ज्यादा मोदी मोदी खुद यानी अरविंद केजरीवाल ही करते। यह हमला बोला है कपिल मिश्रा ने। अब मैं आपको सुनवाता हूं, इसको लेकर भी अलग अलग तरह की बयानबाजी शुरू हो चुकी है, बयान आ रहे हैं, लेकिन क्या राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं, अब जरा आपको वो सुनवाता हूं। अपने घर के सारे मर्दों से भी वोट डलवानी है। कई मर्द मोदी मोदी कर रहे हैं। अगर आपका पति कहे मोदी तो बोलना शाम का खाना नहीं मिलेगा। जितनी माताएं हैं सारी माताएं अपने अपने बेटों को अपने सर की कसम खिलाएंगे कि इस बार केजरीवाल को वोट देनी है। कभी अपने बच्चों की झूठी कसम खाकर कि मैं कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा और अब फिर संवैधानिक पद पर बैठकर लगातार झूठ बोल रहे हैं, कसमें खिला रहे हैं, ये अब चलने वाला नहीं है। लोगों के दिल में मोदी है, देश ने तय कर रखा है और पूरे देश का आशीर्वाद मोदी जी के साथ है। अरविंद केजरीवाल को वो वीडियो दिखाना चाहिए जिसमें वो अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के कसम खा रहे थे कि मैं सरकारी गाड़ी नहीं लूँगा, सुविधाएं नहीं लूँगा, सिक्योरिटी नहीं लूँगा। अरविंद केजरीवाल क्या कहते हैं और वो किस तरह की कसम खाते हैं, उनका चरित्र दिल्ली की जनता अच्छे से जानती है। अब किसकी कसम कामयाब होती है यही देखना होगा। लेकिन आपको लेकर चलता हूं अब मैं महाराष्ट्र, क्योंकि यहां पर भी बड़ी मुश्किल में है इंडिया अलायंस, राहुल गांधी यानी कांग्रेस पार्टी और उद्धव ठाकरे दोनों के बीच ठन गई है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, सबसे पहले अगली तस्वीर दिखाइए। ये उद्धव ठाकरे हैं और इन्होंने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। और यहां से जैसे ही उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ, कांग्रेस पार्टी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना आमने सामने आ चुकी है। लेकिन उद्धव ठाकरे ने जैसे ममता ने खेला किया, वैसे उद्धव ठाकरे को किस तरह से मैदान में उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे और कांग्रेस पार्टी को ठेंगा दिखाया, जरा समझ लीजिए। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल घबराए हुए हैं, यह आपने देख लिया। उन पर मोदी का डर साफ दिख रहा है। इधर महाराष्ट्र में भी विपक्ष डरा सहमा है, लेकिन मोदी की बजाय खुद आपस में लड़ रहे हैं ये लोग। महाराष्ट्र में कांग्रेस और उद्धव ठाकरे आमने सामने आ गए, यूबीटी। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले उद्धव ने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। उद्धव ने नॉर्थ वेस्ट से अमोल कीर्तिकर को मैदान में उतार दिया है। उद्धव ने एक जनसभा में अमोल के नाम का ऐलान किया। अमोल यहां से मौजूदा सांसद गजानन कीर्तिकर के बेटे हैं। आपको यह भी जानकारी दे दें, गजानन कीर्तिकर फिलहाल शिवसेना के शिंदे गुट में है और उद्धव के इस ऐलान के बाद विपक्ष में संग्राम छिड़ गया है। कांग्रेस के नेता संजय निरुपम ने उद्धव ठाकरे पर हमला बोला। संजय निरुपम ने लिखा, सीटों को लेकर फैसला नहीं हुआ है, लेकिन यूबीटी ने गठबंधन धर्म का उल्लंघन कर दिया है। महाराष्ट्र की बची खुची शिवसेना ने यह हरकत की, ये कांग्रेस को नीचा दिखाने की हरकत है और कांग्रेस आलाकमान को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। आगे लिखा, उद्धव का उम्मीदवार घोटालेबाज है, खिचड़ी स्कैम में शामिल है जिसने चेक से रिश्वत लिए। सुन लीजिए, आप आपस में लड़ रहे हैं। कोविड के समय गरीबों की खिचड़ी का घोटाला किया, कोविड काल में खिचड़ी स्कैम की ईडी जांच कर रही है। क्या ऐसे उम्मीदवार के लिए कांग्रेस नेता प्रचार करेंगे? कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से उन्होंने सवाल भी पूछा है। यानी महाराष्ट्र में समय माहौल गर्मा गया है और एक दूसरे के ऊपर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन इसके बाद क्या कुछ कहा जा रहा है महाराष्ट्र में, सुनिए जरा। अरे उम्मीदवार तुम्हाला सीट शेयरिंग हो जाएगा, सीट शेयरिंग हो गया है, हो जाएगा ना, हो गया है। प्रकाश अम्बेडकर जी ठीक है, आपके सामने उनकी बात अलग है, लेकिन प्रकाश अम्बेडकर जी, बहुजन वंचित आघाड़ी, ये सब हमारे साथ है। जिस व्यक्ति का नाम शिवसेना की तरफ से आ रहा है एमबीए के उम्मीदवार के तौर पर, वो खिचड़ी घोटाले का अभियुक्त है। उस पर आरोप है कि 1,60,00,000 रुपए का रिश्वत उसने चेक से लिया है, ऐसे, और इसकी जांच हो रही है ईडी की तरफ से। कल जो घोषणा की गई थी वह घोषणा शिवसेना वापस ले और जब तक एमबीए की मीटिंग में सारे सीटों के बारे में
अंतिम निर्णय नहीं हो जाता और एमवीए एक साथ मिल करके सारी सीटों के बारे में अनाउंसमेंट नहीं करते, तब तक कम से कम डिस्प्यूटेड सीटों के बारे में उसके उम्मीदवारों की घोषणा नहीं होनी चाहिए। संजय निरुपम जी कांग्रेस पार्टी के एक नेता हैं, एक व्यक्तिगत उन्होंने अपनी एक इच्छा जाहिर की है, कुछ चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो वो कांग्रेस पार्टी से कहें न कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या खुलेआम कहें। अब कांग्रेस पार्टी उन्हें कितने गंभीरता से लेती है नहीं लेती है कांग्रेस पार्टी जाने, हमारी पार्टी शिवसेना का सीधा मतलब है कि जो सीटों पर जो 19 में जीता था वो सीट मांग रहा है, उसका उम्मीदवार वहां से लड़ेगा, तो इसमें कोई विवाद भी नहीं है, कोई मतभेद भी नहीं है। अब ये तो एक धड़ा रहा, लेकिन महाराष्ट्र में अभी खेला बाकी है। ये आप देखिए, शरद पवार यानी चाचा और भतीजे अजित पवार के बीच में जंग शुरू हो गई है और यहां पर भी टिकट को लेकर घमासान मचा हुआ है। दिखाइए इधर, आपको ये देखिए, ननंद और भौजाई क्यों कहा जा रहा है, सुप्रिया सुले और सुनेत्रा पवार, अब इन दोनों के बीच में भी अटकलें हैं कि दोनों आमने सामने आ सकती है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देखिए, यहां पोस्टर्स भी लग चुके हैं सुनेत्रा अजित पवार के, क्योंकि एक ऐलान हुआ उसके बाद ये पोस्टर नजर आ रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र में शरद पवार यानी चाचा और भतीजे अजित पवार के बीच में ये आर पार की जंग कैसे शुरू हो गई है, क्या उसके समीकरण है, आइए आपको दिखाता हूं। ये आप देखिए, महाराष्ट्र में एक और संग्राम छिड़ चुका है अजित पवार और शरद पवार के बीच में, यानी चाचा और भतीजे के बीच में यह सियासी संग्राम है। दोनों एक दूसरे से दो दो हाथ करने के लिए तैयार है। इस संग्राम का ऐलान खुद शरद पवार ने ही किया है। कैसे? पवार ने सुप्रिया सुले, जो उनके ठीक बगल में खड़ी हुई हैं, चुनाव लड़ाने का ऐलान कर दिया। सुप्रिया सुले को बारामती से लड़ाने की घोषणा की गई है और पवार ने पुणे की सभा में सुप्रिया के नाम का ऐलान कर दिया है। सुप्रिया बारामती से ही एनसीपी के टिकट पर इस समय सांसद भी हैं। पिछले तीन बार से सुप्रिया यहीं से चुनावी मैदान में जीतती हैं। उनसे पहले शरद पवार यहां से चुनावी मैदान में लड़ते थे और पवार यहां से 6 बार सांसद रह चुके हैं, आप सोचिए। लेकिन तब भतीजे अजित पवार उनके साथ थे, अब अजित पवार उनके साथ नहीं। पवार के ऐलान के बाद राज्य में सियासत गर्म है। चर्चा थी कि इस बार सुप्रिया सुले यहां से मैदान में नहीं उतरेंगे। चर्चा इसलिए थी क्योंकि अजित पवार का यहां पर बड़ा दबदबा है और अजित पवार भी यहां से एक बार सांसद रह चुके हैं। अब अजित पवार के साथ शरद पवार और अजित पवार दोनों साथ नहीं है, उन्होंने पूरी पार्टी पर कब्जा कर लिया है और वो अपनी पत्नी सुनेत्रा को यहां से लड़ाना चाहते हैं। बारामती में एक रैली में उन्होंने इस बात के संकेत भी दिए, कहा था कि बारामती से सुप्रिया नहीं कोई नया उम्मीदवार होगा, उन्हें अपना वोट ऐसे दें जैसे अजित पवार को वोट डाल रहे हैं। और इस दौरान प्रचार वाहन में सुनेत्रा की तस्वीर नजर आई थी जो हमने आपको दिखाई है। 60 साल की सुनेत्रा सोशल एक्टिविस्ट हैं, 2010 से एक एनजीओ का संचालन भी करती है। पवार के ऐलान के बाद अब ननंद और भौजाई के बीच में मुकाबला होगा, ऐसे में बारामती का चुनाव बड़ा दिलचस्प हो गया है दर्शकों। और आप सोचिए, जब ये चुनाव दिलचस्प हुआ है तो उसके बाद अलग अलग जगह पर अलग अलग समीकरण की भी चर्चाएं बहुत तेज हो गई हैं। अब आ जाइए, कांग्रेस पार्टी में कैसे टूट हो रही है इसकी तस्वीर हमें देखने को मिली राजस्थान में। ये आप देखिए, भजन लाल खड़े हुए हैं, मुख्यमंत्री हैं और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता शामिल हो गए। तस्वीर दिखाइए, लालचंद कटारिया, ये आप देखिए, अशोक गहलोत के साथ है लेकिन इन्होंने भी अब पाला बदल लिया है और खेला कर दिया है। अगली तस्वीर आपको दिखाता हूं, राजेंद्र यादव, ये आप देखिए, ये भी बैठे हुए हैं लेकिन यहां पर भी भगदड़ मची हुई है और टूट बहुत ज्यादा हो गई है। यानी अलग अलग राज्यों में बड़े बड़े नेता कांग्रेस पार्टी का हाथ छोड़ रहे हैं। राजस्थान में इस वक्त कैसी भगदड़ मची हुई है, आइए जरा आपको समझाता हूं। राजस्थान में कांग्रेस को तगड़ा और बड़ा झटका लगा है दर्शकों। कांग्रेस के 32 बड़े नेताओं ने पार्टी को छोड़ दिया है। सभी ने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। मुख्यमंत्री भजन लाल की अध्यक्षता में आज कई नेता शामिल हुए, इनमें पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हैं, कई गहलोत सरकार में मंत्री भी रहे हैं, आप सोचिए कई पूर्व सांसद हैं और विधायक भी रह चुके हैं। लालचंद कटारिया पार्टी छोड़ चुके हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री थे।
कटारिया कांग्रेस के दिग्गज नेता अच्छी पकड़ है। कटारिया गहलोत सरकार में कृषि मंत्री भी रहे, केंद्र की यूपीए सरकार में भी कटारिया मंत्री रहे। अशोक गहलोत के काफी नजदीक माने जाते हैं, इन्होंने छोड़ दिया। अब आ जाइए राजेंद्र यादव, ये भी मंत्री रहे और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं। गहलोत सरकार में गृह राज्य मंत्री इन्हें बनाया गया था। कोटपुतली विधानसभा से विधायक रहे हैं। अब आ जाइए खिलाड़ी लाल बैरवा, जो पूर्व सांसद रहे, इन्होंने भी पार्टी को छोड़ दिया है। बैरवा सचिन पायलट के करीबी माने जाते हैं, अनुसूचित जाति से आते हैं। बड़ी बात क्या, बैरवा सांसद भी रहे हैं। रिछपाल मिर्धा, इन्होंने भी पार्टी को बाय बाय कह दिया है और बड़े सियासी घराने से ये ताल्लुक रखते हैं। रिछपाल मिर्धा कांग्रेस के पूर्व विधायक भी हैं। बड़ी बात यह है कि इनके पार्टी छोड़ने के बाद कांग्रेस की मुश्किल लोकसभा चुनावों में और ज्यादा बढ़ने वाली है और इसी को लेकर प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। सुनवाता हूं आपको। सरकार में मंत्री रहे माननीय राजन कटारिया जी, राजेंद्र यादव जी, इन सब का अभिनंदन कर रहे हैं, यह आज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। निश्चित रूप से आपसे आने से पार्टी को गति मिलेगी और जिस उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी काम करती है कि अंतिम छोर पर जो व्यक्ति खड़ा है, जिसको आवश्यकता है, उसके आवश्यकता की पूर्ति कैसे करते हैं, उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। चलिए आइए आपको लेकर चलता हूं उत्तर प्रदेश, जहां से आज एक बड़ी खबर सामने आई है। बड़ा हंगामा हुआ है दर्शकों, ये आप देखिए, पुलिस पर पथराव हुआ है। लखनऊ में झड़प की तस्वीर सामने आई, दिखाइए जरा पहली तस्वीर, ये आप देखिए पत्थरबाजी हो रही है। फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर को, कैसे पत्थरबाजी चल रही है और यहाँ पर आम लोग पुलिस के सामने आए और पत्थरबाजी की गई है। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूँ, पुलिस की टीम यहाँ पर लाव लश्कर के साथ पहुंच गई है। बड़े अधिकारी पूरे लाव लश्कर के साथ ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं और आखिर हुआ क्या था ये आप देखिए, पूरा विवाद यहीं से खड़ा हुआ। इसी तस्वीर को फुल फ्रेम दिखाइए जरा, ये बिल्डिंग जो है यहीं से पूरा विवाद खड़ा हुआ। लेकिन आखिर लखनऊ में हुआ क्या जिसे लेकर पुलिस और आम जनता सामने आ गई, एक दूसरे पर कई पत्थरबाजी हो रही है, तो पुलिस प्रशासन को व्यवस्था संभालनी पड़ी है। आखिर हुआ क्या है ये जरा मैं आपको समझाने वाला हूं। आइए, लखनऊ के एक इलाके में आज अचानक पुलिस पर पथराव हुआ। कुछ लोग पुलिस और प्राधिकरण की टीम पर भड़क उठे और पत्थर चलाने लगे। पथराव में इलाके के सीसीटीवी कैमरे भी टूट गए। एसएचओ और कई पुलिस जवानों को चोट आई है, गाड़ी के शीशे भी उनके टूट गए। पुलिस वाले तो किसी तरह वहां से बचकर निकले, लेकिन पत्थरबाजी की इस घटना से इलाके में काफी तनाव पसर गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए कई थानों की पुलिस बल को बुलाया गया। हेलमेट और पूरे सुरक्षा इंतजाम के साथ पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। ये बवाल हुआ है लखनऊ के अकबरपुर इलाके, जहां एलडीए यानी लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीम अवैध निर्माण को गिराने पहुंची थी, जो आपको दिख रहा है। अवैध इमारत गिराने के दौरान बगल के कुछ मकान चपेट में आ गए और अफवाह ये फैली कि कुछ लोग मलबे की चपेट में आ गए। इसी बात को लेकर अकबरपुर के लोग भड़क उठे और पथराव करने लगे। हालांकि पुलिस के फॉरन एक्शन में आने के बाद इलाके में हालात अभी इस समय काबू में हैं। बड़े अधिकारी पुलिस के क्या कह रहे हैं इस पूरी घटना के बाद, सुनवाता हूं। जिनकी रिट डिसमिस हुई थी उनमें से तीन कमर्शियल जो मकान थे उनका डिमोलिशन चल रहा था और दो का सक्सेसफुल कर लिया गया था, तीसरे का भी डिमोलिशन हो गया था। उसमें कुछ लोगों ने अफवाह फैलाई जिनका डिमोलिशन किया जा रहा था, उन्होंने प्रोवोकेशन उनकी तरफ से कुछ अफवाह या प्रोवोकेशन हुआ, तो कुछ पत्थरबाजी हुई। समझाया गया लोगों को और उनको गलियों में भेजा गया, वापस घरों में भेजा गया और वर्तमान में शांति है। कुछ लोग ये कंप्लेंट कर रहे थे कि उनका मलबा जिसकी बिल्डिंग गिरी उसके घर में कुछ पार्टली क्षतिग्रस्त, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना में तत्काल मकान अलाट कर दिए 7 लोगों को और वो कल वहां जाएंगे, उनको जाने की व्यवस्था कर दी। इस पूरे प्रकरण में कोई भी जनहानि किसी भी तरीके की नहीं हुई है, ये जो अफवाह है इसका पूरी तरीके से खंडन किया जाता है, अभी तक कुछ भी ऐसा संज्ञान में नहीं आया है। मैं निवेदन करूंगी सभी से कि किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें, उसकी पुष्टि जरूर कर लें, प्रशासन आपके साथ है और सुरक्षित रहें। किसी भी तरीके की कोई अफवाह फैलाने में, उसको बढ़ावा देने में अपना योगदान ना दें।
चलिए आइए अब आपको एक और बड़ी और अहम खबर दिखाता हूं जो किसानों से जुड़ी हुई है। किसानों का प्रदर्शन अभी भी चल रहा है और आज किसान रेल यातायात बाधित करते नजर आए। दिखाइए जरा, ये आप देख रहे हैं अमृतसर की तस्वीर जहां पर किसानों ने रेल रोको अभियान में हिस्सा लिया और बड़ी संख्या में मौजूद किसानों ने नारेबाजी भी की। अगली तस्वीर जरा आपको दिखाता हूं, शंभू बॉर्डर पर किसान पहुंचे और रेल यातायात बाधित कर दिया। यहां पर आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में हाथों में झंडा लेकर अलग अलग किसान यहां पर पहुंचे। बठिंडा की तस्वीर दिखाइए, आप देखिए ट्रेन को रोक दिया है किसानों ने, बड़ी संख्या में पटरी पर लाइन लगाकर बैठे हुए हैं जिससे आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन अलग तस्वीर आपको दिखा रहा हूं हरियाणा से, आप देखिए यहां पर भी प्रदर्शन हुआ लेकिन यहां पर पुलिस ने एक्शन लिया और कई सारे किसानों पर एक्शन की जानकारी भी मिल रही है। अब मैं आपको बताऊंगा कि किसान जब पटरी पर उतरे तो आम जनता किस तरह से परेशान हो रही है, आखिर क्या हुआ है जनता के साथ, दिखाता हूं आप। ये देखिए सरकार पर दबाव डालने के लिए किसान पटरी पर उतर गए। 4 घंटे तक कई राज्यों में रेल रोको आंदोलन चलाया गया। पंजाब में 52 और हरियाणा में 3 जगह पर ट्रेनें रोक दी गई। राजस्थान में भी कुछ जगह पर किसान ट्रैक पर उतर आए। इसमें रेलवे सफर और यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। कई जगह यात्रियों की किसानों से झड़प हो गई। सोचिए जरा, चंडीगढ़ जाने वाले 9 से ज्यादा ट्रेनें रद्द कर दी गई। जालंधर, लुधियाना, अमृतसर में ट्रेन यात्री फंसे रहे। मतलब रेल रोको आंदोलन का असर पंजाब में ज्यादा दिखा। हरियाणा में आंदोलनकारियों के खिलाफ पुलिस ने सख्ती दिखाई। अंबाला पुलिस ने कई किसान नेताओं के घर में दबिश दी है और आंदोलन के लिए तैयार कई किसान नेता नजरबंद कर दिए गए। सिरसा में 45 प्रदर्शनकारी किसान हिरासत में लिए गए हैं और 27 दिन से आंदोलनकारी किसान पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर जमे हुए हैं। एमएसपी समेत कई मांगों को लेकर वो दिल्ली कूच पर अड़े हुए हैं और अलग अलग तरह से प्रदर्शन को आगे बढ़ा रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं इस मुद्दे को लेकर किसान नेता और समाजवादी पार्टी क्या कुछ कह रहे हैं। रेल रोको आंदोलन था वो पूरी तरह सफल रहा है। आज का रेल रोको आंदोलन सबसे सफलतम रेल रोको आंदोलन में हुआ, जहां पर सरकार ने अर्धसैनिक फोर्स लगा के रोकने की कोशिश की तब भी वो रोक नहीं सके। और ये आंदोलन बहुत बड़ा साबित हुआ, आने वाले दिनों में आंदोलन और तेज किया जाएगा। किसानों की मांग के साथ शांतिपूर्वक तरीके से जो भी विरोध प्रदर्शन के तरीके हैं, चाहे वो रेल रोक रहे हैं, चाहे वो भारत की हाईवेज जाम कर रहे हैं, क्योंकि अब किसानों के पास कोई रास्ता नहीं छोड़ा है नरेंद्र मोदी जी ने। चलिए आइए आगे बढ़ेंगे और आपको लेकर चलता हूं बिहार, जहां लालू के करीबी पर बड़ा शिकंजा कसा एजेंसी ने, आप देखिए। और ये लालू के करीबी हैं, तस्वीर सबसे पहले आपको दिखाता हूं। पहले तो लालू परिवार मुसीबत में था लेकिन अब इनके करीबियों पर भी एजेंसी लगातार कार्रवाई कर रही है। किस पर कार्रवाई की दिखाइए जरा, ये देखिए ये है वो लालू के करीबी सुभाष यादव और इनके बहुत करीबी होने की कई तस्वीरें आप देखिए। कभी तेजस्वी के साथ हैं, कभी राबड़ी देवी के साथ हैं, अलग अलग तस्वीर इनकी सामने आती। लेकिन आज ईडी ने कार्रवाई की और इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी कार्रवाई आज ईडी ने की है लेकिन कहां कहां पर यह कार्रवाई की गई है और एजेंसी के एक्शन के बाद आखिर क्या हो रहा है बिहार में, क्या बड़े और कड़े एक्शन लिए गए, आइए जरा आपको दिखाता हूं। ये आप देखिए चुनाव से पहले लालू परिवार को एक और झटका लगा है, बड़ा झटका। लालू के करीबी नेता पर ईडी का अंटर चला है, ये जो दिखाई दे रहे हैं। आरजेडी नेता सुभाष यादव को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। अवैध बालू खनन को लेकर ईडी ने इस गिरफ्तारी को अंजाम दिया है। सुभाष 2019 में चतरा से आरजेडी के उम्मीदवार भी रहे, वो चुनाव तो नहीं जीत पाए लेकिन कारोबार को उन्होंने खूब बढ़ाया और इसी वजह से आरोप है कि काले कारोबार से सुभाष ने बड़े पैसे कमाए। बीजेपी ने इसे आरजेडी की मनी लॉन्ड्रिंग मशीन बता दिया और दावा किया है कि सुभाष लालू यादव के फाइनेंसर हैं, लालू राबड़ी के काले धन की वॉशिंग मशीन थे, उसी के दम पर भ्रष्टाचार का लालटेन चमक रहा है। दरअसल सुभाष कई दिनों से जांच एजेंसी के रडार पर थे। दावा यह कि लालू के करीबी दिखाकर वो कई जगह पर अपना रौब झाड़ते थे
अपनी दबंगई दिखाकर जांच से बचने की कोशिश भी किया करते थे, लेकिन ईडी ने एक साथ सुभाष के 6 ठिकानों पर छापा मारा है। सोचिए आप, लालू के करीबी पर यह छापेमारी 16 घंटे तक चली है। इतना ही नहीं, पटना से दानापुर और मनेर के ठिकानों पर एक साथ रेड को अंजाम दिया गया है। अब आपको सुनवाता हूं मनोज झा और संजय जायसवाल इस मुद्दे पर क्या कुछ कह रहे हैं। मुझे विपक्ष के किसी एक नेता का नाम बता दीजिए, किसी एक दल का नाम बता दीजिए जिसके यहाँ ईडी आईटी सीबीआई की दस्तक ना हो रही हो। ये मोदी जी और अमित शाह जी, ये बेकार आप शब्द खर्च कर रहे हैं। ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट नहीं है, ये इन्फोर्स करते हैं विल ऑफ मोदी जी एंड विल ऑफ अमित शाह जी। तो इसलिए कि इसको लालू जी के करीबी, ये सबसे नैरेटिव नहीं गढ़ा जाएगा। जो जैसे कर्म करिएगा वैसा फल भुगतिएगा। जिस तरह से गरीबों को लूट करके संपत्ति एक खास परिवार ने बनाया है और उस परिवार के संपत्ति के 2 नंबर संपत्ति को 1 नंबर करने का काम, और उसके एवज में पूरे बिहार के बालू निकाल करके स्मगलिंग करके बेचने का काम सुभाष यादव जैसे लोग करते हैं तो वो फंसेंगे ही। तो बड़ा और कड़ा एक्शन लिया जा रहा है, एजेंसीज अपनी कार्रवाई कर रही हैं। फिलहाल ये भारत की बात है, मैं इतना ही, आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। Good morning and thank you everyone for a full house attendance this morning. So thank you very much at the start. And thank you Piyush ji for coming this morning, and thank you for so many of my friends, so many colleagues, so many familiar faces, so many people who have invested their faith in us, and so many people who have supported us and stood by us. And so many colleagues of mine, so many people who come on television, and it's just remarkable that we start on a weekday with a packed house.